हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माय नेम इज आकाश जायसवाल एंड वेलकम टू द चैनल द सक्सेस विंग। तो आप लोग देख रहे हैं कि जैसा कि हम लोग के पास बहुत सारे कंट्रोवर्सीज चल रहे हैं नीट और जेईई एग्जाम्स को लेके, तो आप लोग जानते हैं एग्जाम्स तो आज नहीं तो कल तो होंगे ही होंगे। तो एग्जाम्स अगर होते हैं तो आप लोग को रिवीजन करना पड़ेगा। तो क्विक रिवीजन के लिए आप लोग को हम क्या किए, डेफिनेट इंटीग्रल से कुछ पैटर्न क्वेश्चन लेके आए जो हमारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। दैट मींस जो हमारा डेफिनेट इंटीग्रल्स का पैटर्न क्वेश्चन होता है कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के आईआईटी जेईई एग्जाम्स में ज्यादातर इंटीग्रेशन के डेफिनेट वाले पार्ट से ही क्वेश्चंस को दिया जाता है। तो उसी में हम क्या किए, एक ऐसे ट्रिक के बारे में आज डिस्कस करेंगे, एक ऐसे ट्रिक के बारे में आप लोग को बताएंगे जिससे किसी भी क्वेश्चन को इस तरह का आप लोग विद इन सेकेंड आंसर निकाल सकते हैं, मतलब बहुत ही कम समय में। तो ये आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अंत तक बने रहिएगा वीडियो पे। और आज हम आप लोगों को इसमें दो मेथड बताएंगे, एक ट्रेडिशनल मेथड भी बताएंगे और आपको एक ट्रिक मेथड भी बताएंगे कि ट्रेडिशनल मेथड और ट्रिक मेथड से कैसे करके इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर अगर हम लोग को लिखना होता है, अगर इस क्वेश्चन का आंसर हमको लिखना हुआ तो हम कैसे करके इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे और विद इन सेकेंड आंसर कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक, सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास वो है इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन 6x cos 10x dx। तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा 0। ठीक है, दूसरे वाले का जो आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा, डन, दूसरा वाला आंसर खत्म। तीसरे वाले का जो आंसर आएगा हमारे पास वो हो जाएगा, और चौथे वाले का जो आंसर आएगा वो होगा हमारे पास 0। तो ये हो गया हम लोग का आंसर कंप्लीट। इस तरह से करके हम लोग इस तरह के क्वेश्चन का आंसर को इतने जल्दी लिख दिए। पर यहां जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आया, यहां जो आप लोग के दिमाग में कॉन्सेप्ट आया कि इस तरह के क्वेश्चन को आप इतना जल्दी, दैट मीन्स एक सेकेंड से कम में हम आंसर को लिख दिए, इसका 0, इसका दिस, इसका दिस एंड इसका दिस, कैसे करके लिखे इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस सेशन में। तो देखिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को कि किस तरह से, किस मेथड के थ्रू हम इसको लिखते हैं। तो देखिए, आपको हम एक तरीका बताते हैं, एक मेथड बताते हैं, उसे आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा। मेथड क्या है अपने पास कि जब भी हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन होंगे लाइक 0 टू पाई साइन ऑफ ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स डी एक्स, अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है और हमारे पास ये जो ए माइनस बी हो रहा है, ठीक है, a माइनस बी करने से इन दोनों को माइनस, दैट मींस कोएफिशिएंट, दोनों का एंगल का कोएफिशिएंट को अगर माइनस करने से, ठीक, अब दो तरह का सिचुएशन अगर क्रिएट होता है तो उसी हिसाब से हम आंसर लेते हैं। अगर इन दोनों को माइनस करने से हमारा इवन नंबर आए, ठीक है, वट एवर वो हम इवन नंबर नेगेटिव में आ रहा है या पॉजिटिव में आ रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर, हमको नंबरिंग को देखना है कि हमारा इवन नंबर आ रहा है कि नहीं। तो यानी कि अगर इवन नंबर आता है, ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे आई इक्वल्स टू 0, ये हमारा हो गया आंसर। और अगर हमारा यही ऑड नंबर आता है तो हम लोग आंसर लिखेंगे आई इक्वल्स टू 2a अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, डन। बस इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है, इतना इजी कॉन्सेप्ट है हम लोग को इसको करने का, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी में ही। तो डिस्कस करते हैं पहले क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन हमारा 0 कैसे हो रहा है अगर इस मेथड के थ्रू आ रहा है। तो देखिए, इस मेथड के अगर हम लोग थ्रू जाएंगे इसको पहले क्वेश्चन को, तो हमारे पास a इज 6 एंड b इज 10, ठीक है, तो हम लोग a माइनस b निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 6 माइनस 10 यानी कि 4 माइनस में, और 4 इज अ इवन नंबर यानी कि इसका वैल्यू 0 हो गया। पर आप लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि सर ये अगर 0 इस मेथड से हो रहा है तो आप इसे एक ट्रेडिशनल मेथड से भी सॉल्व करके दिखाइए कि ट्रेडिशनल मेथड से भी ये 0 होगा कि नहीं। तो चलिए एक बार अपने कंफर्मेशन के लिए इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से देख लेते हैं। तो अगर हम लोग इसका ट्रेडिशनल मेथड स्टार्ट करेंगे तो डायरेक्टली आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई 1/2 एक्स वाले के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 साइन 6x cos 10x, ठीक है, dx। अब हम लोग सभी जानते हैं कि 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई 2 sin x cos x इज द फॉर्मूला ऑफ, या फिर उसको cos x sin x कर लीजिए ज्यादा अच्छा फॉर्मूला आ जाएगा, तो इज द फॉर्मूला ऑफ sin a plus b और माइनस sin a minus b, दैट मीन sin a plus b यानी कि हो जाएगा हमारे पास 10 plus 6 16x, और फिर माइनस sin a minus b करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4x dx।
अब इसे अगर हम लोग सेपरेट कर लेते हैं 1 by 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई sin 16x dx और minus 1 by 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई sin 4x dx। तो देखिए जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि sin 6x का इंटीग्रेशन हमारे पास होगा 16x का इंटीग्रेशन होगा 1 by 2 दोनों में से कॉमन रख दीजिए तो इसका इंटीग्रेशन होगा minus cos 16x by 16 और फिर इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा हमारे पास माइनस तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कॉस 4x by 4 0 टू पाई। अब हम लोग क्या जानते हैं सबसे पहले बैठाएंगे पाई तो साइन 16 पाई का वैल्यू होता है हमारे पास 1 और कॉस 4 पाई का वैल्यू भी हमारे पास कितना होता है 1 यानी कि दोनों का वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगा यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि साइन 16 माइनस 1 और कॉस 16 कॉस 4 भी 1 हो जाएगा यानी कि ये तो हमारे पास 1 माइनस 1 यहां पे हो जाएगा हमारे पास 0 ठीक है 1 माइनस 1 यहां पे हम लोग के पास हो गया और फिर अगर हम लोग यहां पे डालते हैं कि cos 6 cos 0 डिग्री और sin 0 डिग्री तब क्या होगा हमारे पास देखिए cos 0 डिग्री का वैल्यू भी हमारे पास होता है माइनस 1 और sin 0 डिग्री का वैल्यू भी होता है माइनस 1 अगर हम इसको लिखेंगे तो ऐसे करके लिखना होगा माइनस 1 बाय 16 प्लस 1 बाय 4 फिर बीच में माइनस 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 हो जाएगा हमारे पास प्लस 1 by 16 और फिर माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा यहां पे 1 by 4 तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गया यानी कि 1 by 2 into 0 दैट मींस 0 इज द फाइनल आंसर। तो देख लीजिए आप लोग इस क्वेश्चन को करने में बहुत सारा स्टेप यहां पे जंप किए तो बोल के हमारा इतना टाइम लगा अगर हम इसे नॉर्मली इस मेथड से करते तो हमारे पास कितना टाइम लग रहा है सिर्फ और सिर्फ 5 से 7 सेकंड 5 से 7 सेकंड में आप इसे आंसर निकाल ले रहे हैं आपको इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर एग्जाम में तो आपके पास बहुत टाइम सेव होने वाला है इस मेथड के थ्रू इस मेथड के अगर तरीके से करें तो चलिए इसको देख लेते हैं कि हमारे पास बाकी का आंसर्स को हम लोग कैसे लिखें। देखिए सेकंड वाले का जो आंसर लिखे वो हम लिखे i equals to 2a divided by a square दैट मींस 28 का स्क्वायर तो 2a into 28 कर दीजिए और फिर माइनस 41 का स्क्वायर जो कि हमारे पास होता है 28 करेंगे तो हो जाएगा 56 और 28 का स्क्वायर होता है हमारे पास 784 तो यानी कि 784 माइनस 41 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है 41 का स्क्वायर होता है हमारे पास 1681 यानी कि 1681 दैट मींस हमारे पास आ गया ये आप मिला लीजिए एक बार इसको यही आ रहा है। सेम सिचुएशन फॉलो किया हम लोग इस वाले में भी ठीक है इस वाले को भी हम लोग इसी मेथड से सॉल्व किए। तो थर्ड क्वेश्चन पे अगर हम लोग आते हैं थर्ड क्वेश्चन को तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर हम लोग लिखते हैं 400 डिवाइडेड बाय 39779775 यानी कि अगर हम लोग इसे i इक्वल्स टू फार्मूला में ले जाते हैं 2a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्योंकि देखिए इन दोनों का माइनस करने से ऑड नंबर आएगा तो ऑड नंबर आने की वजह से हम लोग ये वाला फार्मूला अप्लाई किए दैट मींस 2 into 200 डिवाइडेड बाय 200 का स्क्वायर होता हमारे पास 40000 माइनस 15 का स्क्वायर होता है 225 तो यानी कि हम लोग के पास आ रहा है 400 अपॉन 39775 ये हो गया आंसर ठीक है। और चौथे नंबर क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि दोनों का एडिशन इवन नंबर आ रहा है तो देखिए 4 ठीक है 9 हम लोग इन दोनों को जोड़े अगर ये करेंगे a माइनस b कर रहे हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन के लिए तो a माइनस b अगर हम लोग कर रहे हैं तो हमारे पास a दिया हुआ है 105 और b दिया हुआ है 394 349 तो यानी फाइनली हमारे पास 9 में से 4 गया 5 सॉरी 9 में से 5 गया 4 4 में से 0 गया 4 और 3 में से 1 गया 2 यानी माइनस 244 इज अ इवन नंबर दैट मींस हम लोग के पास ये मेथड था एक ट्रिक था जिसके थ्रू आप लोग क्या कर सकते हैं बहुत ही आराम से और बहुत ही आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को अपने एग्जाम्स में आराम से आप लोग रिवीजन के तौर पे इसको यूज कर सकते हैं और बहुत जल्दी सम्स को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।